students, how are you? Hope all of you are fine. So आगे हम बच्चे next topic जो करने जा रहे हैं, ठीक है? That is also related to electrostatic potential, ठीक है? Topic का नाम क्या है बच्चे? नाम है Equipotential Surfaces. Equipotential Surfaces. ठीक है, Equipotential Surface. देखिए, as the name suggests, ठीक है, नेम से हमें कुछ कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं. Equipotential, ठीक है, Equipotential का मतलब अब क्या होता है? देखिए, इक्वी का मीनिंग इक्वल, पोटेंशियल जो हम पोटेंशियल अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है. तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है बच्चे, इक्विपोटेंशियल सरफेस होते क्या है? दीज आर द सरफेसेस, द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच, एवरी पॉइंट ऑफ विच the electrostatic potential is same. ठीक है, वो सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो सेम हो, हर एक पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल हो. ठीक है, इक्विपोटेंशियल का मतलब सेम पोटेंशियल हो जिसके हर एक पॉइंट पे. ठीक है, तो ये भी टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, दो तीन मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो इसमें से आ सकता है आपको. ठीक है, टॉपिक इज इंपॉर्टेंट. इसके बाद आती है बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस. इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस की कुछ प्रॉपर्टीज हमें यहां पे करनी है बच्चे. ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है देखिए. फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या है? वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ओवर एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो. ठीक है, अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को मूव करवाते हैं, ठीक है, तो उस चार्ज को मूव करवाने में किया गया वर्क डन जो है वो हमेशा जीरो होता है. ठीक है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो. ठीक है, वो कैसे? देखें, डेफिनेशन की थी हमने पोटेंशियल डिफरेंस की, दो पॉइंट्स. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, वही. ठीक है, वी ए माइनस वी बी किसके इक्वल होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही थी ना डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. यहां से वर्क डन किसके इक्वल आएगा बच्चे? किसके इक्वल आ जाएगा? Q इंटू वी ए माइनस वी बी. ठीक है, अब क्योंकि पोटेंशियल जो है, एज पोटेंशियल ऑन एवरी पॉइंट इज इक्वल, पोटेंशियल ऑन एवरी पॉइंट इज सेम, तो क्या होगा? सेम क्यों है? क्योंकि हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं. ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, तो
क्या होगा, वी ए इज इक्वल टू बी भी होगा, जितना पोटेंशियल ए पॉइंट पे है उतना ही बी पे होगा। तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, जीरो। वी ए माइनस वी बी क्या बन जाएगा बच्चे, जीरो। इसका मतलब वर्क डन किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। यही हमने ऊपर लिखा था, क्या लिखा था कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा हमेशा। ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, प्रॉपर्टी नंबर टू, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर या फिर थ्रू लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज, इज ऑलवेज राइट एंगल, इज ऑलवेज राइट एंगल्स टू इट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी बच्चे, वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होती है, नॉर्मल होती है। नॉर्मल मतलब राइट एंगल जो होती है। ठीक है, वो भी हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। देखिए, वर्क डन किसके इक्वल था, वर्क डन किसके इक्वल आता है बच्चे, ई डॉट डी आर। ठीक है, यही होता है वर्क डन, ई डॉट डी आर, या फिर आप इसको पोटेंशियल लिख लीजिए, जो मर्जी लिख लीजिए। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू ई डॉट आर। तो क्योंकि वर्क डन देखिए अब जीरो है, ठीक है, वर्क डन क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए वर्क डन हमेशा जीरो होता है। तो क्या आ जाएगा, ई डी आर कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, थीटा क्या है, E और dr में एंगल। अब देखिए, E dr cos थीटा जीरो के इक्वल है, इसका मतलब क्या है, cos थीटा जीरो होगा। ठीक है, इट मींस व्हाट, cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। इसका मीनिंग क्या है बच्चे, थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या है, थीटा किस किस में एंगल था, E और dr में। इसका मतलब E जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी डी आर। ठीक है, यही चीज हमने ऊपर लिखी है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज राइट एंगल्स टू इट। ठीक है, तो E और डी आर जो होंगे वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि देखिए E तो जीरो नहीं होगा। ठीक है, पोटेंशियल तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो ई जीरो नहीं हो सकता, डी आर जीरो नहीं हो सकता, सिर्फ कॉस थीटा है जो कि जीरो हो सकता है, और वो जीरो कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो मतलब इन दोनों के बीच एंगल जो, ये दोनों हैं हमेशा एक दूसरे के राइट एंगल होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बच्चे, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस अराउंड अ पॉइंट चार्ज, अराउंड अ पॉइंट चार्ज क्या होता है, इज इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज के अराउंड जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसा होता है बच्चे, वो होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। वो हमें कहां से पता चला, देखें हम बात कर रहे हैं एक पॉइंट चार्ज की। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 1/4πε0Q/r, यही होता है ना। अब देखिए, बात हम कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या है,
पोटेंशियल हर एक जगह पे सेम है, सेम होने का मतलब V की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो एज V इज कांस्टेंट, V कांस्टेंट है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि जो R होगा इज आल्सो कांस्टेंट, मतलब कि जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, डिस्टेंस जो होगा चार्ज से उस पॉइंट का जहां पे हम फाइंड कर रहे हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, सेम रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए बाकी चीजें तो है ही कांस्टेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, ठीक है, V कांस्टेंट है, वो कहां से पता चला, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वहां से हमें क्या पता चला कि R जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा। अब हर बार कांस्टेंट R का मीनिंग क्या है बच्चे, हर बार R सेम होने का मतलब हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या होगी, एक सर्कल या फिर स्फीयर, क्योंकि इसी में R जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो यहां से क्या पता चला हमें, इक्विपोटेंशियल सरफेस अराउंड द पॉइंट चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक स्फीयर्स, ओके, क्योंकि R कांस्टेंट आएगा यहां से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें, इसी चीज को अगर रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा, देखिए ये है एक पॉइंट चार्ज मान लीजिए Q, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे होती है ऐसे बाहर को, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक पॉइंट चार्ज से कैसे होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो इस शेप में होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स या फिर स्फीयर्स की फॉर्म में, ठीक है। ये था फॉर पॉइंट चार्ज। इसके बाद फोर्थ, फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो शेप होगी वो कैसी होगी, ठीक है, वो हम यहां पे करेंगे। देखिए डाइपोल क्या होता है, दो इक्वल अपोजिट चार्जेस, ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है और ये है हमारे पास माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। तो देखिए अगर अलग अलग देखें तो दोनों पॉइंट चार्ज की तरह वर्क कर रहे हैं, तो क्या होगा, इनके अराउंड जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे वो पहले पहले बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे यहां पे बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होना शुरू हो जाता है, ये देखिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की थी, कैसे बनती है वो, ऐसे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, ये चीज हमने पहले पढ़ी हुई, ठीक है, एक मिनट रुकिए, ठीक है, तो ये ऐसे बनेंगे, ठीक है, ये होगी शेप इक्विपोटेंशियल सरफेस की इलेक्ट्रिक डाइपोल के अराउंड, ठीक है, पहले पहले छोटे छोटे सर्कल बनेंगे ऐसे, ठीक है, जैसे जैसे हम बाहर को आते जाते हैं सर्कल जो है वो बड़े होते जाएंगे, ठीक है, ऐसे, और सेंटर पे आते आते जो सर्कल जो है वो ऑलमोस्ट दे गेट फ्लैटेंड, ठीक है, वो फ्लैट होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद यह था इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। नेक्स्ट है फिफ्थ, फॉर टू पॉजिटिव चार्जेस, अगर दो सेम चार्ज है
यहां पे तो दो चार्ज थे ना, कौन कौन से, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हो ऐसे, ठीक है, तो अब क्या होगा देखिए, पहले तो वही चीज बनेगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है, पॉइंट चार्ज के अराउंड कंसेंट्रिक सर्कल ऐसे, ठीक है, लेकिन दोनों जो चार्जेज हैं दे विल रिपेल ईच अदर, रिपेल करेंगे, ठीक है, जो इनके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो ऐसी होती है, देखिए ऐसे, यहां से भी बाहर को ऐसे, ठीक है, ये चीज होती है। तो जो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, ये कुछ ऐसे बनना शुरू हो जाएंगे ऐसे, ठीक है, और फ्लैट होते जाएंगे, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनली फ्लैट होंगे, ये ऐसे फ्लैट होंगे लैटिट्यूडली, ठीक है, सर्कल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है, बस आपको इन शेप्स को याद रखना है, ठीक है, इनकेस अगर आपको कभी एग्जाम में आता है तो इन शेप्स को आपको याद रखना है हमेशा। इसके बाद फिफ्थ, फिफ्थ नहीं सिक्स्थ, सिक्स्थ क्या है, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो शेप होगी वो कैसी होगी। पहली चीज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन से ऐसे, ठीक है, तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं बच्चे वो इस शेप में बनते हैं, ठीक है, सॉरी ऐसे, ये इनकी शेप्स आपको याद रखनी ऐसे करनी, ठीक है, ये जो है हमारे पास, ये जो सरफेसेज हमें शो हो रहे हैं ये वाले, ये और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होती है तब, ठीक है, ठीक है बच्चे, ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, और अलग अलग सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण जो इनकी शेप्स बनेंगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की वो हमने की। पहले कौन सी थी, फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज, जब एक ही चार्ज है तब, उसके बाद दो चार्ज, दो चार्जेस में दो केस बन गए, एक ऑपोजिट चार्जेस दूसरा सेम चार्ज, और उसके बाद थी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेगा, ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन E एंड V, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन क्या है, ठीक, देखिए इसको डिराइव करने के लिए, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा एक एक्सप्रेशन है, मान लीजिए ये है हमारे पास कोई सरफेस, ठीक है, जहां पे हमें चार्ज को जो है मूव करवाना है, ठीक है, ये सरफेस है, इस पॉइंट से
इस पॉइंट के बीच चार्ज को हमें मूव करवाना है, ठीक है। और यहां से मान लीजिए, ठीक है, यहां से यहां पर लेकर आते हुए जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो किया डी आर, लेट, ठीक है, डी आर लिख लीजिए, डी एक्स लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, कोई भी जनरल हमने इसकी डायरेक्शन मान ली, ठीक है। सो दैट इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद डिस्प्लेसमेंट डी आर, ठीक है, ऐसे। तो देखें जो वर्क डन होएगा, वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, कौन सा चार्ज मूव करवा रहे हैं, मान लीजिए हमने चार्ज मूव करवाना है क्यू, ठीक है, और यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है वी, ठीक है, वैसे इन जनरल मान लिया वी है, ठीक है। तो क्या आएगा, देखिए वर्क डन यह जाएगा क्यू इंटू वी, यही होता है, ठीक है। डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, देखिए पोटेंशियल की क्या थी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, लेकिन यहां पे जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, माइनस में आएगी, क्यों, क्योंकि बच्चे जो ये वर्क डन होगा वो हमेशा क्या होता है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होता है। जिस दिन हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी उस दिन भी आपको बताया था, ठीक है। डिफाइन कैसे करते हैं हम पोटेंशियल को, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, ठीक है। तो उस फोर्स को, फोर्स से अगेंस्ट काम किया जाता है, इसीलिए, ठीक है, यहां पे हम नेगेटिव साइन लेंगे, ओके। इसके बाद यहां पे मैं लिख देता हूं, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्सेस, ठीक है। चलिए, ऑल्सो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, ठीक है, वर्क किसके इक्वल होता है बच्चे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसको तो छोड़ ही देते हैं, चलिए। डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो यहां पे कॉस थीटा आएगा, ठीक है ना, एंगल हमने उनके दोनों के बीच थीटा बना हुआ है। तो फोर्स क्या होती है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है तो फोर्स कितनी होगी चार्ज के ऊपर, क्यू इंटू ई, क्यू ई डी आर कॉस थीटा, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा, ये आ गया हमारे पास वर्क डन। अब दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू, ये पता चला कहां से है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है बच्चे फोर्स पर यूनिट चार्ज, यहां से एफ किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू इंटू ई, ठीक है। नाउ फ्रॉम वन एंड टू नंबर, फ्रॉम वन एंड टू, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल, ठीक है, दोनों साइड वर्क डन है ना, तो दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं, माइनस क्यू वी इज इक्वल टू क्यू ई डी आर कॉस ऑफ थीटा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, क्या आया हमारे पास, ई कॉस थीटा इज इक्वल टू डी वी ओवर डी आर, ठीक है। यहां पे देखे डी वी इसलिए लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ली है, आप यहां पे भी ऐसा ही कर सकते हो, डी लिख लीजिए यहां पे भी डी, क्योंकि इधर भी डी है, डी आर है, ठीक है, वो तो सेम ही है, दोनों को इक्वल रख दिया हमने, ठीक है। तो ई कॉस थीटा किसके इक्वल आया,
माइनस डी वी ओवर डी आर। ठीक है, अब देखिए ई कॉस थीटा क्या है बच्चे, ई कॉस थीटा वो कंपोनेंट है जो क्या है अलोंग द डायरेक्शन, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि देखिए इसको अगर हम क्या करें रिजॉल्व करें तो इस साइड क्या जाएगा ई कॉस थीटा और इस साइड क्या जाएगा ई साइन थीटा। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या है ई कॉस थीटा क्या है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो उस डिस्प्लेसमेंट के अलोंग अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के अलोंग होती तो थीटा जीरो होना था, कॉस थीटा वन होना था, क्या आ जाता हमारे पास E इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी आर। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डिस्प्लेसमेंट होगी चार्ज के, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है माइनस डी वी ओवर डी आर होती है। ठीक है, तो इसको हम सीधा ऐसा लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी आर। ठीक है, डी वी ओवर डी आर। अब ये क्या बना देखो, इसको हम अगर वर्डिंग में लिखें इसी को अगर हम वर्डिंग में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल आई है, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है बच्चे, देखिए जब भी कोई क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी हो रही है, ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी हो रही है, तो हम उस टर्म को उसका ग्रेडियंट बोलते हैं। जैसे ये लिख दिया मैंने डीपी ओवर डी एक्स, पी क्या है प्रेशर, अब यहां पे प्रेशर डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी हो रहा है तो इसको मैं क्या नेम दे दूंगा, इसको मैं नेम दूंगा प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, ऐसे ही वेलोसिटी ग्रेडियंट हो सकता है डी वी ओवर डी एक्स, मतलब जब डिस्प्लेसमेंट के साथ कोई क्वांटिटी चेंज हो रही हो तब हम उसको उसका ग्रेडियंट बोलते हैं। यहां पे पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी हो रहा है तो उसको क्या लिख दिया हमने, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब इसी रिलेशन को आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो V ओवर R, अगर मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये नेगेटिव साइन उस डायरेक्शन से आया था क्योंकि फोर्सेस के ऑपोजिट है। ठीक है, तो अगर मैग्नीट्यूड में ले तो आप सीधा ऐसे लिख सकते हो E इज इक्वल टू वी ओवर आर। ठीक है, देखिए इसी को डिराइव करने का एक और मेथड है, अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या आता है बच्चे, 1/4 pi epsilon naught Q ओवर R स्क्वायर। ऐसे ही पोटेंशियल क्या होता है, 1/4 pi epsilon naught Q ओवर R। ठीक है, देयर इज जस्ट अ वन डिफरेंस, क्या है यहां पे R स्क्वायर है और यहां पे R है। ठीक है, तो देखिए यहां से अगर दोनों को देखें तो E किसके इक्वल आएगा बच्चे, V ओवर R आ जाएगा। ठीक है, ये R मल्टीप्लाई होके यहां पे आर स्क्वायर बन जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो दिस वन इज रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, ये वाला या फिर ये वाला माइनस डी वी ओवर डी आर। ठीक है, ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम करेंगे बच्चे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रुप ऑफ चार्जेस। ठीक है, दो टॉपिक रह गए हमारे इस पोटेंशियल वाले पोर्शन के, उसके बाद फिर हम कैपेसिटेंस शुरू करते हैं। ठीक है, कोई भी अगर डाउट होता है आपको तो कभी भी पूछ लीजिए। ठीक है, थैंक यू।